सो गाइज आजकल हर बंदा हैंड फ्रियों को यूज़ करता है। यहाँ पर दोस्तों जब हैंड फ्रियों को नया लेते हैं या न्यू परचेज करते हैं तो बिल्कुल सही वर्क कर रही होती हैं, लेकिन दोस्तों जब इसको एक या दो महीने हो जाते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इनके तो दोनों एयरफोन्स हैं वो दोनों ही खराब हो जाते हैं। कभी कभी एक खराब हो जाता है, एक सही चल रहा होता है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर होता है कि दोनों सही होते हैं लेकिन इनकी आवाज़ कम हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसकी रिपेयरिंग की शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग की, तो मैंने उससे पूछा कि जो हैंड फ्री हैं वो खराब होती क्यों है। तो उसने मुझे दो वजह बताई कि जो दो बड़ी वजह हैं, वैसे वजह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो बड़ी वजह है जो जिससे 80% जो हैंड फ्री हैं वो खराब होती हैं वो है यहाँ पर दोस्तों उसने कहा कि खींचने की वजह से ज़्यादा इसको, यानी कि इस तरह जोर लगाकर। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर इसका जो मेन जैक है, यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हैंड फ्रियाँ खराब होती हैं वो इसके मेन जैक की वजह से होती हैं। हम क्या करते हैं कि हैंड फ्रियों को खोलने लग जाते हैं या इसके दरमियान में जो बॉक्स होता है हम इसको खोलने लग जाते हैं कि भाई इसे खोलो यहाँ से ठीक होंगी, यहाँ से कोई कनेक्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर हैंड फ्रियाँ होती हैं वो यहाँ पर इसकी वजह से खराब होती हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर उससे पूछा कि यार क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो उसने मुझे यहाँ पर दो से तीन टिप्स दी हैं, वो मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इनको ट्राई करते हैं अपने घर पर ही तो आप अपने घर पर ही अपनी जो हैंड फ्री उनको रिपेयर कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो आपकी हैंड फ्री हैं वो 80% ठीक होने के चांस हैं, क्योंकि दोस्तों क्या पता आपका जो मैं क्योंकि जो मैथड आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका यहाँ पर ये जैक से खराब हुई हैं जो 80% खराब होती हैं मीन्स के 80% चांस है आपकी हैंड फ्री ठीक हो जाएंगी या आपकी यहाँ से खराब होती हैं। अगर आपकी यहाँ पर दरमियान से खराब है, कोई अंदर से तार खराब हो गई है, तो वो दोस्तों यहाँ पर गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर खराब होती हैं वो क्योंकि इन्हीं की वजह से होती हैं तो 80% ज़्यादा चांस है कि आपकी जो हैंड फ्री हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से इनको ठीक करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ जो आपको चाहिए वो है यहाँ पर दोस्तों लाइफ बॉय शैम्पू या कोई भी दूसरा शैम्पू। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, शैम्पू आपने थोड़ा सा यहाँ से इसे यहाँ से निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि अपना जो यहाँ पर एयरफोन है इसका ये वाला जैक लेना है और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर शैम्पू को मल देना है, पूरे जैक के ऊपर अच्छी तरह से ना बिल्कुल रब कर देना है। और यहाँ पर ना आपने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने यहाँ पर इसको रब करते रहना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि इसके दरमियान में जो आपको जगह दिख रही है ना वाइट वाइट सी, वहाँ पर आपने अच्छी तरह से अपने नाखूनों के साथ मलना है, यानी कि वहाँ पर आपने अच्छी तरह से शैम्पू को पहुँचाना है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको पूरे आधे घंटे के लिए सूखने देना है, मीन्स कि यहाँ पर इसको इसी तरह किसी जगह पर रख देना है जहाँ पर कोई गर्म जगह हो या जहाँ पर यानी कि कोई गर्म जगह पर आपको आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर सूख जाए। सूखने के बाद दोस्तों आपने किसी साफ कपड़े से या किसी मलमल के कपड़े से यानी कि किसी मुलायम कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ करना है। यहाँ पर दोस्तों जो साफ है वो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमने शैम्पू वो लगाया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अच्छी तरह साफ करने के बाद जो इसके यहाँ पर दोस्तों ये निशान है ना, इनके अंदर अगर शैम्पू चला गया तो ये भी आपने अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है। तो हम इसको यहाँ पर अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। अच्छी तरह से साफ करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अब अगला काम आपने ये करना है कि आपको चाहिए ये चीज़। ये दोस्तों क्या है, ये है दोस्तों राइस चावल हैं दोस्तों। तो आपने क्या करना है दोस्तों, चावल जो होते हैं ना उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि जो ना नमी को जज़ब करते हैं अपने अंदर। तो आपने जस्ट क्या करना है कि क्योंकि इसके अंदर हमने लगा दिया शैम्पू, तो आपने जस्ट इसको इसके अंदर दबा देना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से दबाने के बाद अब आपने इसको पूरा आधे घंटे इसके अंदर रहने देना है ताकि दोस्तों जो इसके अंदर नमी है वो सारी जज़ब कर लें चावल अपने अंदर। आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद अब आपने इसके अंदर से इसको निकालना है, निकालने के बाद इसको दोबारा से साफ करना है अच्छे तरीके से। अब दोस्तों जो अगली चीज़ हमें चाहिए वो है ये दोस्तों, यहाँ पर ये आपने चीज़ देखी होगी, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डिटोल। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको चाहिए, ये आपको पूरी बोतल नहीं चाहिए, सिर्फ एक आपको इसका एक टिपका चाहिए, कतरा चाहिए या एक ड्रॉप चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी यानी कि रिश्तेदार से, रिलेटिव से या किसी से भी यानी कि ले सकते हैं, सिर्फ आपको एक ड्रॉप चाहिए होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास ड्रॉप नहीं है तो आप इसका साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, सोप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, लेकिन ये यानी कि जो ये ऑयल है ना ये ज़्यादा यानी कि काम का आता है। तो आपने जैसे कोशिश करनी है कि इसको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मैंने एक उंगली पर इसको लिया, सिर्फ एक ड्रॉप चाहिए था, उसको अब आपने इसके ऊपर रब करना है जैसे कि हमने पीछे शैम्पू को किया था इसके ऊपर अच्छी तरह से। यहाँ पर दोस्तों ये भी आपने नाखूनों के साथ जो इसके यानी कि दरमियान में टर्मिनल्स होते हैं उनके अंदर अच्छी तरह से आपने इसको रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद दोस्तों ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसको किसी अच्छे या साफ यानी कि कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह साफ करके इसको दोबारा से चावलों के अंदर डाल देना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमने क्योंकि डेटोल लगाया है और दोबारा से इसके अंदर नमी आ गई है। तो यहाँ पर इसको इसके अंदर रख देते हैं। रखने के बाद अब आपने यहाँ पर दोबारा से आधा घंटा वेट करना है ताकि जो चावल हैं वो इसकी नमी को जज्ब कर लें। टाइम कंप्लीट होने के बाद अब आपने यहाँ पर इसे निकालना है, निकालने के बाद इसे दोबारा से अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है जिस तरह से हमने पहले किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक यहाँ पर एक ये
दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लेड चाहिए। ब्लेड दोस्तों आजकल हर किसी के घर मिल जाता है, ब्लेड ना हो तो आप कोई ऐसी छुरी टाइप चीज़ या नाइफ टाइप चीज़ ले सकते हैं। लेने के बाद दोस्तों आपने इसको ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बहुत ध्यान से यूज़ करना है। अपने हाथ में ग्लव पहन लें, ऐसी कोई अच्छी चीज़ पकड़ लें, या बहुत ध्यान से बड़े यानी कि बच्चे से यूज़ ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, ध्यान से इसके अंदर जो टर्मिनल्स है ना वहाँ पर इसको फेरना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो ये जैक है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल न्यूली टाइप। अब आपने दोस्तों इसको मोबाइल में लगा कर देखना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक छोटा सा काम और करना है, वो या दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस मेथड को यूज़ करके अगर आप किसी भी हैंडफ्री को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी हैंडफ्री थोड़ी सी ठीक थी वो और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब मैंने आपके सामने हैंडफ्री को ठीक किया है वो पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस मेथड को करने के बाद वो ख़राब हो गई है। ये मैंने दोस्तों आपको इसलिए करके दिखाया कि मैंने यूट्यूब पर लाखों वीडियोज़ ऐसी देखी हैं और कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिनको मिलियन में व्यूज़ हैं, 5 मिलियन व्यूज़, 6 मिलियन व्यूज़, और वो वीडियो जो होती है वो अंग्रेज़ों की होती है। अंग्रेज़ों की वजह से हम पाकिस्तानी नुकसान कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने पाकिस्तानियों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनानी थी कि दोस्तों अगर मेरी हैंडफ्रियाँ खराब हो सकती हैं तो उन 5 मिलियन लोग हैं जो जिन्होंने उस वीडियो को देखा है, उन्होंने अगर ये ट्राई किया होगा तो उनकी भी हैंडफ्रियाँ वो खराब हो गई होंगी, तो कितना नुकसान हुआ होगा, और उसमें कुछ पाकिस्तानी भी होंगे। तो मैं पाकिस्तानियों को अवेयर करना चाहता था कि ऐसी किसी भी वीडियो पर यकीन ना किया करें। मैं भी आपसे माफी मांगता हूं कि मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब मैं ऐसी झूठी वीडियो यूट्यूब पर देखता हूं। झूठी वीडियो बनाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान ना करो। अपने व्यूज लेना चाहते हैं झूठ बनाकर लो, कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी व्यूज लो, झूठ बोलो बेशक खुल के, लेकिन यहाँ पर किसी का नुकसान ना करो, किसी की जेब से जो पैसे हैं वो जाया ना हो, ये सिर्फ ये चीज़ सोचा करें। तो अंग्रेज़ों ने जो गंद छोड़ा उसका जो भुगतान है वो इंडिया और पाकिस्तान वाले भुगते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ किसी ऐसी वीडियो पर यकीन ना किया करें। आप इस तरह से हैंड फ्री उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं तो जितने की ये हैंड फ्री आए ना उतने आपके पैसे ऊपर लग जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हैंड फ्री ठीक नहीं हो सकती हैं, तो प्लीज़ ऐसी किसी वीडियो पर यकीन ना करा करें।